दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी को ओपन करते समय जो पॉपअप आपके सामने दिखाई देता है, तो वो आपको सीएससी को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवाईसी अपडेट करनी होगी और सभी बीएलई भाइयों को करना पड़ेगा। किस तरह से फॉर्म फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लाइव इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड डाल करके इस तरह से आप सीएससी के पोर्टल पर आ जाएंगे। एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो आपके सामने यहां पर पॉपअप शो होगा। इसको यहां से क्लोज करेंगे। अब आपके सामने वही केवाईसी अपडेट करने वाला पॉपअप यहां पर आ रहा है। अगर आपको कोई डिटेल में दिक्कत है तो आप यहाँ पर जा कर के क्लिक करेंगे और आप सीएससी पर कोई भी काम कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहां पर इस तरह से ये पेज खुल जाता है। अब आप यहां देखेंगे बीएलई प्रोफाइल एंड केसिक अपडेट मैंडेटरी फॉर ऑल बीएलई, सभी बीएलई भाइयों को ये करना पड़ेगा। यहां पर अपना नाम डालेंगे और आप अपना यहां पर आधार कार्ड डालेंगे और यहाँ वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये कुछ प्रोसेस होता है और यहाँ पर आपका आधार वेरीफाइड हो जाता है। आधार वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट अपना चूज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट असेंबली वाला ऑप्शन दोस्तों आपके सिस्टम में खुलेगा, मोबाइल में अभी नहीं खुल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे और आप अपना यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस डालेंगे जो आपका एड्रेस खुद का है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद आप यहां पर केसिक एड्रेस डालेंगे जो आपका जनसेवा केंद्र है उसका नाम डालेंगे। तो दोस्तों आप अपना यहां पर नाम डालेंगे और चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ओनरशिप डालेंगे, आप अपना खुद की ज़मीन पर कर रहे हैं, रेंट पर ले रहे हैं, गवर्नमेंट की जगह में है, कहाँ पर आपका शॉप खुला हुआ है, जो दुकान आपने रखी है। तो यहाँ पर मैं खुद का कर दे रहा हूँ। इस कंडीशन से आप यहां पर आएंगे, आप रूरल से आते हैं तो रूरल पर क्लिक करेंगे, अर्बन तो अर्बन पर, यहां पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप यहां पर स्टेट असेंबली अपनी चूज करेंगे। आपकी जो असेंबली लगती है वहां पर आप क्लिक करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, आप अपना यहां पर विलेज चूज करेंगे, पंचायत, उसके बाद यहां पर अपना जनसेवा केंद्र आपने कहां रखा हुआ है तो उसका आप यहां पर एड्रेस देंगे। यहाँ लिखा हुआ है केओस के एड्रेस, तो आप यहाँ पर वो एड्रेस देंगे जहाँ पर भी आप जनसेवा केंद्र चला रहे हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर पिन कोड डालेंगे और नीचे की साइड आएंगे, यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग होगा और आपका यहाँ पर पैन भी वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। योर केवाईसी हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। इस कंडीशन से डिजिटल सेवा पोर्टल के केवाईसी आप कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।